आओ बढ़े। It's time to make progress. It's time to achieve faith. यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति इतनी चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। Let's get ready to move forward in life. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ो। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषेक है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के सुंदर भव्य और महान नाम में मैं पास्टर प्रेज आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ इस अद्भुत समय में जिसे हम कहते हैं आओ बढ़े। बाइबल हमें इब्रानियों 12 के 2 में बताती है कि प्रभु यीशु की ओर ताकते रहो जो हमारे विश्वास का पूरक और संपूर्ण करने वाला है। और यीशु को जानना, समझना और उसकी ओर देखने के लिए परमेश्वर के वचन में अपने आप को स्थापित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यीशु परमेश्वर का वचन है जो देहधारी हुआ। आज हमारे परमेश्वर के जन पास्टर ज़ायन आपको परमेश्वर के वचन से कुछ बहुत ही ज़रूरी नीतियाँ सिखाएंगे। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगी कि इस वक्त आप अपना पूरा ध्यान स्क्रीन की ओर रखें, और प्रोग्राम के बाद अगर आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है या आप किसी भी तरह से हमसे जुड़ना चाहते हैं, कोई सवाल है जिनके जवाब आप चाहते हैं, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे या फ़ोन कॉल के द्वारा स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स के थ्रू जुड़ सकते हैं। आइए, ये वक्त है हम एक साथ मिलकर वचन में आगे बढ़ते हैं। आओ बढ़ते हैं। पास्टर ज़ायन, transforming lives through the word of God. Worth listening. Praise the Lord! Hallelujah! 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 Praise the Lord! Parmeshwar sundar hai. Dhanyavad Pita Yeshu ke naam mein is sundar samay ke liye. धन्यवाद देते हैं तुझे हर उस भाई और बहन के लिए जो हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और जिन्होंने अपना विश्वास इस प्रोग्राम के साथ जोड़ा है। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमेन आमेन आमेन। प्रेज गॉड। मैं आप सबको यीशु के नाम में इस बहुत खास और अभिषेक प्रोग्राम आओ बढ़े में स्वागत करता हूँ। ये वो समय है जब हम परमेश्वर के वचन के द्वारा, उसकी आत्मा के द्वारा बढ़ाए जाते हैं। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ हर उस सुंदर गवाही के लिए जो इस प्रोग्राम के द्वारा अनगिनत जीवनों में हुआ है। परमेश्वर का वचन कभी नहीं फेल होता है, और जो कोई भी इस वचन को अपने जीवन में चट्टान की तरह बनाते हैं, कोई भी आंधी या तूफान आए क्यों ना, वे खड़े रहते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो आज का प्रोग्राम हर एक दिन से थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि आज हम इस प्रोग्राम में एक थोड़ा सा सेक्शन मेमोरियल सर्विस को भी हम आप सबको दिखाएंगे। बट देन इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि आप पूरे प्रोग्राम को अच्छे से देखें, समझें। एक बहुत खास मैसेज आप सबके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। आप इस पृथ्वी में क्यों आए हो? आपके इस जीवन का उद्देश्य क्या है? ये बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और हर एक व्यक्ति अलग अलग तरीके से इस प्रश्न का जवाब ढूंढता है। किसी के पास जवाब है, किसी के पास जवाब नहीं है, किसी के पास सही जवाब है और किसी ने अपना ही खुद एक जवाब बना दिया है। क्वेश्चन इज, आप इस पृथ्वी में क्यों आए हो? हम में से कोई भी इस पृथ्वी में जो आए हैं, हमने खुद नहीं चुना कि हम इस पृथ्वी में आएंगे, इस समय में,
इस परिवार में, इस तरीके से पृथ्वी में आएंगे। हो सकता है आप में से कुछ बोले कि नहीं, हमारे माता पिता ने चुना था। ऑफ कोर्स उन्होंने प्लान किया था कि उनका एक संतान होगा, बट ये तो प्लान नहीं किया था कि वो आप ही होंगे। ये परमेश्वर का प्लान था, जिसके वजह से परमेश्वर का एक इच्छा थी कि आप इस पृथ्वी में आओ, इस समय, इस जगह पर, इन लोगों के बीच। ये वो इच्छा थी जिसके तहत आप इस पृथ्वी में आए। और अब जो आप पृथ्वी में हो, परमेश्वर के पास आप सबके जीवनों के लिए एक प्लान है। और आप खास तरीके से, ध्यान दीजिए, खास तरीके से प्लान्ड हो। आपके लिए परमेश्वर ने एक कार्य रखा है जो एकमात्र आप पूरा कर सकते हो। आपके अलावा और कोई इस कार्य को पूरा नहीं कर सकता। एंड ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन बातों को समझो। एंड जब कभी भी परमेश्वर इस तरीके से किसी व्यक्ति को इस किसी खास उद्देश्य के लिए बुलाता है, वो उस व्यक्ति को और एक व्यक्ति के साथ जोड़ता है जो उसे उस उद्देश्य में आगे बढ़ाएगा। ध्यान दीजिए, परिवार परमेश्वर का प्लान है, परिवार परमेश्वर का प्लान है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि मेरा जन्म बिना किसी पिता के या तो बिना किसी माता के हुआ था। ऑफ कोर्स यीशु मसीह एकमात्र है जिनके जन्म में किसी पुरुष का बीज नहीं था, फिर भी उन्हें जन्म लेने के लिए मरियम के कोख की जरूरत पड़ी। सो कोई ऐसे नहीं कह सकता कि मैं बिना किसी माँ बाप के जन्मा हूं, क्योंकि ये परमेश्वर का तरीका है। और जब यीशु मसीह इस पृथ्वी में थे, ये भी एक जरूरी बात थी कि यीशु मसीह का बपतिस्मा हो। और जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ तो पवित्र आत्मा उनके ऊपर आई। वो जंगल में एकांत में चले गए और पवित्र आत्मा उनके ऊपर आई। सो दोनों चीजों में, एक होता है कि आत्मिक जीवन और एक होता है शारीरिक जीवन। ये जो परिवार का कॉन्सेप्ट है, ये परमेश्वर से है। यीशु मसीह को भी बपतिस्मा लेना पड़ा और यीशु मसीह को भी मरियम के कोख से जन्मना पड़ा। तो जब परमेश्वर का एक प्लान होता है, जब परमेश्वर का एक प्लान होता है जो कि हर एक के लिए है, ध्यान दीजिए, कोई परमेश्वर में विश्वास करे या ना करे, कोई मसीह में आया हो या ना हो आया हो, जब एक व्यक्ति इस पृथ्वी में अपनी पहली सांस लेता है, उसी वक्त से परमेश्वर का प्लान उसके जीवन के लिए रहता है। इनफैक्ट उस व्यक्ति के होने से भी पहले, जन्म लेने से भी पहले, परमेश्वर ने प्लान किया है कि ये जन्म लेगा और इसके जीवन में ये प्लान पूरा होगा। अब और एक बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं, सिर्फ क्योंकि परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए प्लान है, इसका यह अर्थ नहीं कि परमेश्वर का प्लान आपके जीवन में पूरा हो रहा है। ये जो परमेश्वर का प्लान है, जो स्पेशल प्लान है, इस प्लान को पूरा करने के लिए आपके विश्वास की भी जरूरत है और आपके साथ के भी जरूरत है। परमेश्वर ने हर एक को एक फ्री विल, मतलब एक खुला सोच या खुला चुनने की सामर्थ्य दी है, ताकि जब परमेश्वर आपके जीवन के साथ कार्य करे, वो आपके चुनाव के तहत हो, नहीं कि एक फोर्स के तहत हो। जब आप चुनते हैं परमेश्वर के साथ चलना, ये प्रेम होता है जो परमेश्वर आपसे ग्रहण करता है। कोई भी व्यक्ति तभी परमेश्वर के साथ चल सकता है वाकई में, जब वो परमेश्वर से प्रेम करे।
और वाकई में परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि हम उसे प्रेम करें, यह चुनकर कि उसने हम सबसे प्रेम किया। और हम जब चुने कि हाँ मैं भी परमेश्वर से प्रेम करूंगा, तो हम ये चुनाव करें कि हाँ क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ मैं उसके साथ चलूंगा। प्रेज गॉड। अब ध्यान दीजिए, परमेश्वर का जो प्लान है हर एक के लिए है, और एक खास प्लान है, स्पेशल प्लान है। कुछ ऐसा परमेश्वर ने प्लान किया है जो एकमात्र आप कर सकते हो। आपके रिप्लेसमेंट में परमेश्वर ने किसी को नहीं रखा। ध्यान दीजिए, आप जो परमेश्वर के पास हो आपके बदले और कोई नहीं है। मतलब सदियों से करोड़ों के तादाद में जितने लोग इस पृथ्वी में आए हैं वो आप जैसे कोई नहीं था, आपके जैसा कोई नहीं था। आप अपने आप में एक हो और यूनिक हो। सो किस तरीके से परमेश्वर का प्लान आपके जीवन में शुरू होता है? सबसे पहले मैंने बताया कि परमेश्वर आपको इस सुसमाचार के द्वारा किसी और एक व्यक्ति से जोड़ता है जो परमेश्वर के साथ चल रहा है, जो परमेश्वर में परिपक्व है। एंड दैट इज सो इंपॉर्टेंट। एंड नाउ अगर आप मुझे सुन रहे हो इस सुसमाचार के द्वारा, इस सुसमाचार को सुन रहे हो, परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हो, ये कोई एक एक्सीडेंट नहीं है, ये परमेश्वर का तरीका है आपको अपने प्लान में जोड़ने के लिए। यह परमेश्वर का एक योजना है आपको अपने प्लान में जोड़ने के लिए। तो क्या प्लान है परमेश्वर का? सबसे पहले हमें एक बिगर पिक्चर को देखना होगा, एक बड़े चीज को देखना होगा कि एक साथ हमारा क्या प्लान है। उसके बाद हम खास तरीके से जान पाएंगे कि स्पेसिफिकली मेरे जीवन से परमेश्वर का क्या प्लान है। बट सबसे पहले यह जरूरी है कि आप इस बात को जानो कि आप बुलाए गए हो, परमेश्वर के द्वारा आप बुलाए गए हो। मेरे साथ बोलिए, मैं जानता हूं कि मैं बुलाया गया हूं, परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। जब आप यह बात जान जाओगे कि परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आप परमेश्वर के प्रति खुलना आरंभ करोगे। आप उस बुलाहट को स्वीकारोगे कि हाँ परमेश्वर मैं तेरी बुलाहट को स्वीकार करता हूं अपने जीवन में। एंड देन आप उसके हाँ में हाँ भरोगे और वो समय शुरू होता है, वो समय एक आपके जीवन में एक आरंभ होता है जब आप परमेश्वर के वचन को जानना शुरू करते हो, उसके वचन के गहराई में जाना शुरू करते हो, वचन की समझ आप में आनी शुरू होती है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हर एक व्यक्ति जो शारीरिक रूप से जन्मा है, कोई ये जान के नहीं जन्मा कि वो लड़का है या लड़की है, परंतु विद द टाइम जैसे वो बड़ा होता, जैसे वो बच्चा बड़ा होता गया, सारी समझ आने लगी। जब वो जन्मा था उसे ये भी नहीं पता था कि वो इंसान है, परंतु धीरे 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 उसकी समझ खुलने लगी, वो चलने लगा, बोलने लगा। उसी तरीके से आत्मिक जीवन में भी होता है। सबसे पहले हम ये जान के शुरुआत करते हैं, इस बात को जान के हम शुरुआत करते हैं कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, प्रभु ने मुझे बुलाया है, और इस बात के हाँ में हाँ भरते हो। आप यीशु मसीह के नाम को अपने जीवन के ऊपर घोषित करते हो, आप नया जन्म पाते हो। धीरे धीरे वचन को जानना, परमेश्वर के वचन को समझना शुरू करते हो। और उसके बाद नेक्स्ट जो सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो है मसीह के देह के साथ जुड़ना, या तो सही मायने में बताऊं, लीडरशिप के सामने सबमिट करना अपने आप को। परमेश्वर ने किसी के जीवन में पासवान बुलाया है, किसी के जीवन में इवेंजलिस्ट बुलाया है, किसी के जीवन में अलग अलग तरीके से लोगों को दिया है एक तोहफे की तरह। अगर आपके जीवन में कोई पासवान है, वो पासवान आपके जीवन में यीशु मसीह के द्वारा दिया गया एक तोहफा है।
यीशु मसीह ने उस पास्टर को या उस टीचर को आपके जीवन में एक तोहफे के रूप में दिया है। एंड अगर आप मुझे इस वक्त सुन रहे हो, मुझको भी एक तोहफे के रूप में आपके जीवन में परमेश्वर ने दिया है, चाहे आप ऑनलाइन सुन रहे हो या आप टेलीविजन में सुन रहे हो। और ये जो मैसेज आ रहा है आपके पास, ये जो वचन आ रहा है आपके पास, ये कोई एक एक्सीडेंट नहीं है, ना ही ये इंसान का कार्य है। ये परमेश्वर का तरीका है, परमेश्वर का योजना है। जिस तरीके से जब आप इस पृथ्वी में जन्मे, एक माता पिता के बीच जन्मे, एक माता पिता के द्वारा जन्मे, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, परमेश्वर का योजना का तरीका था आपको इस पृथ्वी में लाने का। उसी तरीके से आत्मा में आपको जोड़ने के लिए और आपके जीवन में उसके जो प्लान्स है, उस प्लान्स को पूरा करने के लिए ये भी एक उसका योजना है कि वो आपको अपने देह के साथ जोड़ता है, मसीह के देह के साथ, कलीसिया के साथ वो जोड़ता है और आपको तैयार करता है कि किस तरीके से आप एक अनॉइंटेड लीडरशिप के सामने आप सबमिट करते हो। वो आपको इस तरीके से तैयार करता है और उस लीडरशिप में, उस लीडरशिप में आप अपनी बुलाहट को और बेहतर तरीके से पहचान पाते हो और बेहतर तरीके से समझ पाते हो। हो सकता है उस समय आपको आज्ञाकारी बनने के लिए ट्रेन किया जाए, आपको कहा जाए यहाँ जाओ, इस तरीके से करो, यहाँ पे ठहरो, या तो जो भी कहा जाए, वो इस तरीके से नहीं होता कि एक इंसान आपको कह रहा है। आप ट्रेन हो रहे हो परमेश्वर के रास्ते में आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर के रास्ते में आगे बढ़ने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और जिस तरीके से आप आगे बढ़ते हो, जिस तरीके से आप आज्ञाकारिता के साथ अपने जीवन में इम्प्रूव करते हो, अपने जीवन में आत्मिक जीवन में आप उन्नति करते हो, परमेश्वर की आवाज़ आपके जीवन में और ज़्यादा स्पष्ट होते रहती है, और ज़्यादा परमेश्वर की आवाज़, परमेश्वर की योजना, आपके पास एक बिगर प्लान सामने आता है कि हाँ, हम सबको मिलके ये चीज अचीव करना है। और बिगर प्लान क्या है? इस पृथ्वी को यीशु मसीह के दोबारा आने के लिए तैयार करना है। और उस बिगर प्लान में, उस बिगर प्लान में आपका क्या हिस्सा है, आपका क्या रोल है, उस रोल को भी आप जान पाते हो। हर एक व्यक्ति पास्टर होने के लिए नहीं बुलाया गया, हर एक व्यक्ति इवेंजलिस्ट होने के लिए नहीं बुलाया गया, या तो हर एक व्यक्ति को प्रॉफिट नहीं बनना, परंतु हर एक व्यक्ति के लिए एक कार्य है, जिस तरीके से वो प्रभु को महिमा देगा। और परमेश्वर के प्लान्स जान लीजिए, जो भी हो क्यों ना, आपका जो सोच है या तो मानव दिमाग या सोच से कहीं ऊपर है, कहीं ज्यादा है। और वो जो परमेश्वर का प्लान है वो इसमें सीमित है। ध्यान दीजिए, यीशु ने एक जगह कहा कि अगर तुम मेरे ऐसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और उसके बाद कहा मैं और पिता एक साथ तुम्हारे जीवन में आ जाएंगे और तुम में वास करेंगे, मैं और पिता एक साथ। प्रेज गॉड। कुछ चीजें हैं जो परमेश्वर आपके जीवन के थ्रू करना चाहता है, कुछ चीजें हैं जो परमेश्वर आपके जीवन के थ्रू अचीव करना चाहता है। और ये छोटी मोटी चीजें नहीं है, बड़ी बड़ी चीजें हैं, वैसी चीज है जो इंसान के द्वारा संभव नहीं है। और उस चीज के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आप सबको। बट क्या ये आप सबके जीवन में पूरा होगा, ये आपके ऊपर निर्णय, ये निर्णय आपके ऊपर है कि क्या आप अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर पाएंगे। या तो कर तो हर कोई पाएगा अगर वो प्लान करे, अगर वो चुने और अपने जीवन में सही निर्णय ले। प्रेज गॉड। इसी सोच के साथ मैं आप सबको चैलेंज करता हूं, आपको ये कहता हूं कि आपका जीवन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जीवन प्रेशियस है, प्रेशियस कीमती, ऐसी कीमती कि इसकी कोई कीमत जितना भी आप देना दो,
इसकी कीमत चुका नहीं पाओगे। यू नो बाइबल कहते हैं कि क्या होगा अगर एक व्यक्ति पूरी दुनिया को जीत ले परंतु अपने आत्मा का उद्धार को ही खो दे। मतलब पूरे दुनिया को अगर एक मिला के कहा जाए कि मेरा पेमेंट इतना, पूरा दुनिया है मेरा पेमेंट, फिर भी आप उससे ज़्यादा कीमती हो, उससे ज़्यादा कीमती हो, क्योंकि आपके उद्धार के लिए परमेश्वर के पुत्र को इस पृथ्वी में आना पड़ा और एक कीमत चुकाया उसने अपने लहू से, अपने मृत्यु से, आपको अंधकार के ज्योति से, सॉरी अंधकार के राज्य से निकाला और अपने अद्भुत ज्योति में वो ले आया। Praise God, praise God, praise God। इसी सोच के साथ मैं चैलेंज करता हूँ, आपका जो ये जीवन है, जो ये कीमती जीवन है, इस जीवन के साथ आप क्या करोगे? क्या आप अपने पड़ोसी की तरह एक दुनिया में एक साधारण जीवन जियोगे, या आप चुनोगे कि नहीं, मैं अपने जीवन में परमेश्वर के बड़े प्लान्स को पूरा करूँगा, मौका दोगे अपने आप को कि आप खुद को वचन के द्वारा, सबमिशन के द्वारा, आज्ञाकारिता के द्वारा आप परमेश्वर को मौका दोगे कि वो आपके जीवन में कार्य करें। इट्स अ चैलेंज कि आप क्या करोगे अपने जीवन के साथ। एंड एनीवेज, अगर आप में से कोई कहते कि नहीं पास्टर, वाकई में मुझे परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ना है, उसके वचन के साथ मुझे अपने जीवन में बढ़ना है, मैं परमेश्वर के जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ, देन आई इन्वाइट यू, मैं आपको इन्वाइट करता हूँ, इसी वक्त से बोलिए परमेश्वर को, बोलिए कि धन्यवाद पिता, मैं ये मानता हूँ कि मैं बुलाया गया हूँ और इसी वक्त से मैं तेरी बुलाहट को जानना चाहता हूँ, तेरी बुलाहट में चलना चाहता हूँ और मैं अपने आप को तेरे देह के प्रति, तेरे लीडरशिप के प्रति सबमिट करता हूँ। और यीशु के नाम में आप ये शुरुआत कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यू नो स्क्रीन्स में व्हाट्सएप नंबर है हमारा, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, या तो आप हमारे वेबसाइट में जाके pastorzion.com वहाँ पे जाके ज्वाइन द मिनिस्ट्री में आप एक फॉर्म है जहाँ पे आप भर सकते हैं। एंड डेफिनेटली अगर आप अपने जीवन में ऐसा चुनते हैं कि आपको अपने जीवन को मामूली नहीं रखना, अगर आप अपने साइड से प्लान कर लेते कि नहीं मैं अब चुनता हूँ, तो मैं कहना चाहता हूँ कि डेफिनेटली परमेश्वर विश्वसनीय है, वो आपके जीवन को पहले जैसा नहीं रहने देगा। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। ये समय है कि हम एक छोटा सा वीडियो देखेंगे, ये एक मेमोरियल सर्विस है, पास्टर जोए का एक मेमोरियल सर्विस का हिस्सा है। एंड आई एम श्योर कि जब हम ये मेमोरियल सर्विस आपको दिखाएंगे, आप प्रभु को धन्यवाद दोगे और सेलिब्रेट करोगे कि किस तरीके से पास्टर जोए को परमेश्वर ने इस पृथ्वी में भेजा था और किस तरीके से उनके जीवन के द्वारा बहुत से लोग आशीषित हुए थे। Praise God, praise God, praise God. Memorial Service on First Anniversary of Heavenly Ascension of Pastor Zoe. Pastor Zoe was a gift of God to the body of Christ. Her life and her ministry is worth celebrating and giving thanks to the Lord. The Bible says in 1 Thessalonians, chapter 4 and verse 13, "But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope." We thank God for this eternal hope, and we are not sorrow, rather thankful that Pastor Zoe is on the other side with the Lord. It's time that we see some of the glimpses of how the Lord used Pastor Zoe during her active years in the ministry. This is a picture from the initial days of the ministry. Pastor Zoe was a very active evangelist, preaching the gospel everywhere she went. Here is another picture, where you can see Pastor Zoe ministering to the church gathering. This was on the birthday of Pastor Zoe, where you can see her with the children of the Ambassadors of Zion Church. In this picture, you can see Pastor Zoe
participating at the Independence Indeed Conference of Ambassadors of Zion Church. Here are some of the clips where she ministered to the slum kids. Here you can see her teaching worship to the kids of Ambassadors of Zion Church. This is a captured moment when Pastor Zoe first met with Pastor Praise. The Bible says in 1 Thessalonians chapter 4 and verse 16 and 17, "The Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. We know that very soon, on the day of the Lord, we will meet her again. Until then, let's continue to labor for the Lord, and finish everything which the Lord trusted us to do while we are on this earth." Praise the Lord. प्रेरितों के कार्य 20 के 32 से मैं पढ़ रहा हूँ और ये कहता है, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर के और उसके अनुग्रह के वचन को सौंपता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में सहभागी होकर विरासत दे सकता है। वाओ, ये कहता है कि अनुग्रह के वचन को सौंपता हूँ, और ये अनुग्रह का वचन क्या कर सकता है? जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और तुम्हें विरासत दे सकता है। कौन सी विरासत? वो विरासत जो पवित्र लोगों के लिए रिजर्व्ड है। प्रेज गॉड, जब आप मसीह में आए, आप परमेश्वर के वारिस बने, नई जन्मे, और परमेश्वर ने आपको ये वचन दिया जो आपको बढ़ा सकता है, आपके जीवन में उन्नति को ला सकता है। प्रेज गॉड, मैं आप सबको इनवाइट करता हूँ एक बहुत स्पेशल प्रोग्राम में। ये एक डेली प्रोग्राम है, इवनिंग शाम के 9 बजे हम एक साथ सिर्फ 10-15 मिनट के लिए जुड़ते हैं और परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करते हैं, वचन को घोषणा करते हैं। ये सिर्फ सुनने वाला प्रोग्राम नहीं है, परंतु वचन को अपने जीवन में पूरा करने वाला प्रोग्राम है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग, मैं आशा करता हूँ कि जब हम दोबारा एक साथ मिलेंगे 9 बजे, आप तैयार रहेंगे और एक साथ मिलकर परमेश्वर के वचन को हम अपने जीवन में पूरा करेंगे। और निश्चय ही, जैसे वचन कहता है कि अपने आप को संपूर्ण तरीके से दो ताकि तुम्हारी उन्नति सबको दिखाई दे, मुझे यकीन है जैसे आप परमेश्वर के वचन के ऊपर खड़े होंगे, मनन करेंगे, कन्फेस करेंगे, आपकी उन्नति सबको दिखाई देगी। प्रेज गॉड, आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। यीशु मसीह देता खुशी, यीशु मसीह देता खुशी। This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.